हेलो गाइस, मैं सुरमर चैनल का और फेसबुक में आप लोग का स्वागत है। तो गाइस फिर से आ गया एक नया वीडियो लेकर, जहाँ पर आप लोग को बताऊंगा कि ड्रैग करने का सही तरीका क्या है, ताकि आप लोग जो है बहुत अच्छे से हेडशॉट मार पाओगे। और गाइस ड्रैग हेडशॉट मारने के पीछे जो है कौन सा जो फिजिक्स काम करता है, और आप लोग जो ड्रैग करते वक्त जो क्या क्या गलती करते हो, जिसकी वजह से जो आपका जो एम है वो बॉडी पर चिपक जाता है और उसके बाद जो है हेड पर नहीं लगता। और गाइस किस टाइम पर जो है कौन सा ड्रैग यूज़ करना चाहिए, ताकि आप लोग जो बहुत अच्छे से एंड ईजिली जो हेडशॉट मार पाओगे। तो गाइस ये सब के बारे में जो इस वीडियो में फुल डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए गाइस वीडियो में आगे बढ़ते। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने पहले आप लोगों के पास एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो वीडियो के नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन उसे क्लिक करते और पास में जो घंटे से दबाकर ऑल पे सेलेक्ट कर दो, ताकि मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और गाइस अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से जल्द जाओ, फटाक से वीडियो को लाइक कर दो। आज का जो वीडियो का लाइक है वो है 4000, हो सकता है थोड़ा ज्यादा, पर कैसे मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छे ये लाइक है कंप्लीट कर दोगे। तो चलिए गाइस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. तो गाइस पहले मैं आप लोग को बता दूं, ये जो ड्रैग जो है कैसे काम करते हैं और ड्रैग हेडशॉट जो है कैसे लेते हैं। तो गाइस जो एम है, एम को जो है एनिमी की बॉडी पर डायरेक्ट ले आने के बाद फायर बटन को तेजी के साथ ऊपर की तरफ मूव करने को ही ड्रैग करना बोलते हैं। और गाइस इसी टाइम पर जो एम होता है वो एनिमी की बॉडी से डायरेक्ट जो है हेड पर चला जाता है, और एनिमी का जो खोपड़ी होता है वो टूट जाता है, और इसी प्रोसेस को जो है ड्रैग हेडशॉट मारना बोलते हैं। तो गाइस ये तो देखने में बहुत ही ज्यादा इजी एंड सिंपल सा एक फंडा लगता है, पर कैसे आप लोग जब यूज करते हो तो फिर आप लोग का जो प्रॉब्लम बहुत सारा होता है। जैसे कि जब आप लोग एम करते हो तो फिर जो एनिमी के बॉडी पर तो आ जाता है, और उसके बाद जब आप लोग ड्रैग तो फिर जो है एनिमी के बॉडी पर जो है एम चिपक जाता है, ऊपर जो है उठता नहीं, जिसकी वजह से आप लोग जो है हेडशॉट नहीं मिलता, सिर्फ और सिर्फ बॉडी शॉट ही मिलता है, यानी किल मिलता है। तो गाइस ड्रैग करने का ये मतलब नहीं होता है कि एनिमी को देखा नहीं कि फायर बटन को सीधा जो है ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया तो फिर जो है हेडशॉट लग जाएगा। तो गाइस ऐसे नहीं होता, ड्रैग करने के वक्त आपका जो फायर बटन वो तो आप लोग को तेजी के साथ ऊपर की तरफ मूव करना पड़ेगा। अगर एनिमी लॉन्ग डिस्टेंस पर रहे तो फिर आप लोग जो थोड़ा सा ड्रैग कर सकते हो, ठीक है, और अगर एनिमी क्लोज रेंज पे या फिर मिड रेंज पे होगा तो फिर जो है आप लोग को फायर बटन को बहुत तेजी के साथ ऊपर की तरफ मूव करना पड़ेगा। और गाइस उसके लिए आप लोग को जो सेंसिटिविटी थोड़ा बहुत हाई रखना पड़ेगा, और आपका जो फायर बटन के साइज है वो भी थोड़ा बहुत जो सेट करके रखना पड़ेगा। तो गाइस अगर आप लोग जानना चाहते हो कि सेंसिटिविटी जो है कितना रखा और फायर बटन की साइज वगैरह कितना रखा, तो फिर उसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक फुल डिटेल के साथ जो वीडियो बना चुका हूँ। तो गाइस वो वीडियो अगर आप लोग देखना चाहते हो तो फिर आप लोग जो ऊपर आई बटन पर या फिर जो आप लोग को वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप लोग जो लिंक मिल जाएगा, उधर जाकर आप लोग जो है चेकआउट कर सकते हो। तो गाइस इधर मैं आप लोग को थोड़ा बहुत समझा देता हूँ कि किस टाइम पर जो कौन सा ड्रैग आप लोग यूज कर सकते हो। तो गाइस ड्रैग करने के बहुत सारा तरीका होता है, जैसे कि स्ट्रेट ड्रैग करना, उसके बाद रोटेशन ड्रैग करना, जो कि ज्यादातर रनिंग एनिमीज को मारने के लिए यूज होता है। तो गाइस आप लोग इधर सोच सकते हो ये जो है एनिमी है, ठीक है, तो गाइस इधर अगर एनिमी सीधे खड़े होकर रहेगा तो फिर आप लोग जो है फायर बटन को एकदम स्ट्रेटली ऊपर की तरफ ड्रैग करोगे तो फिर जो है डायरेक्ट हेडशॉट लग जाएगा। और गाइस अगर एनिमी सीधे भागते हुए आ रहा है आपकी तरफ या फिर जो सीधे भागते हुए जा रहा है, तो गाइस इसी टाइम पर भी आप लोग जो है सेम तरीके यूज कर सकते हो, एकदम स्ट्रेटली जो है ड्रैग कर सकते हो। और गाइस ड्रैग करने के बाद आप लोग जो थोड़ा बहुत स्पीड के साथ जो ड्रैग करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि एकदम डिस्प्ले तोड़फोड़ करके चला गया, ऐसे नहीं, थोड़ा बहुत स्पीड में जो आप लोग को ड्रैग करना पड़ेगा। और गाइस सीधा जो आप लोग जो कितना दूर तक जो है ड्रैग करोगे, तो गाइस सीधा देख सकते हो आप लोग को जो है गन बॉक्स देखने को मिल जाएगा। तो गाइस सीधा जो आप लोग जो है गन बॉक्स तक जो ड्रैग कर सकते हो तो फिर जो आप लोग का हेड लगने का चांस बहुत ज्यादा हो जाएगा। और गाइस एनिमी अगर आपका थोड़ा सा राइट में होगा, ठीक है, थोड़ा सा राइट में, तो फिर आप लोग जो राइट मार्क की तरह जो है आप लोग ड्रैग कर सकते हो। फायर बटन को थोड़ा सा नीचे लाने के बाद एकदम सीधे ऊपर की तरफ जो है ड्रैग करना, तो फिर जो एम जो है डायरेक्ट एनिमी के हेड पर जाकर लगेगा, तो फिर जो हेडशॉट मिल जाएगा। और गाइस अगर एनिमी लेफ्ट साइड में होगा तो फिर भी आप लोग जो सेम तरीके यूज करना पड़ेगा, आप लोग जो लेफ्ट साइड में थोड़ा सा जो नीचे की तरफ लाना पड़ेगा फायर बटन, उसके बाद जो सीधे ऊपर की तरफ, यानी लेफ्ट साइड में आप लोग को राइट मार्क करना पड़ेगा, तो फिर जो आप लोग को डायरेक्टली हेडशॉट मिल जाएगा। और गाइस अगर ऐसा हुआ एनिमी अगर इतना दूरी पर है या फिर जो है एनिमी जो है राइट की तरफ भागते हुए जा रहा है, तो फिर आप लोग जो है रोटेशन जो ड्रैग होता है वो आप लोग जो यूज कर सकते हैं, यानी फायर बटन को थोड़ा सा रोटेट करके एकदम सीधा ऊपर की तरफ मूव करना पड़ेगा। तो गाइस इधर आप लोग जो रोटेट करते हो, रोटेट करने की क्या जरूरत, तो गाइस आप लोग को बता दूं, अगर आप लोग कभी नोटिस किया तो फिर आप लोगों को पता होगा कि जब आप लोग फायर करते हो तो फिर फायर बटन का टच करने के तुरंत जो है गन से गोली नहीं निकलता, थोड़ा सा जो है गैप रहता है, ठीक है, उसके बाद जो है गोली निकलता है, ऐसा नहीं कि एक दो सेकंड का गैप रहता है, कुछ 0.5 या 6 सेकंड का गैप रहता है, ठीक है गाइस। तो गाइस इसी टाइम का जो फायदा उठाकर आप लोगों जो है एनिमी के हेड पर जो एम ले जाना पड़ेगा, तभी जगह जो आप लोग को हेडशॉट मिलेगा। और गाइस आप लोग ज़्यादातर क्या करते हो, फायर बटन को जो है धीरे धीरे जो ऊपर की तरफ जो मूव करते हो, और इसकी वजह से जो है गोली निकलने का जो गैप मिलता है वो गैप जो है चला जाता है, और गन से जो गोली निकल के आ जाता है। और अगर एक बार एनिमी की बॉडी पर गोली लगना स्टार्ट हो जाए तो फिर जो बॉडी पर ही चिपक जाएगा, ऊपर जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, फिर जाकर आप लोग जो है हेडशॉट नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ बॉडी शॉट ही मिलेगा। तो वैसे इधर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, गोली निकालने का जो गैप मिलता है ना, वो गैप का जो आप लोग को फायदा उठाना पड़ेगा, और उसी टाइम पर जो आप लोग को बहुत स्पीड के साथ जो आप लोग को फायर बटन को ऊपर की तरफ मूव करना पड़ेगा, ताकि गोली जाकर एकदम हेड पर निकला, डायरेक्ट हेडशॉट मिल जाए। तो चलिए गाइस अब जो हम लोग बात कर लेते कि आप लोग जो क्या गलती करते हो जिसकी वजह से जो आप लोग का ड्रैग शॉट या फिर हेडशॉट जो है नहीं लगता। तो गाइस आप लोग इधर देख सकते हो, जिस टाइम पर आप लोग फायर करते हो उसी टाइम पर ये जो जॉयस्टिक होता है ना, ये जो मूव
करने का जो लेफ्ट साइड में जाए तो ये अगर आप लोग यूज करोगे तो फिर आप लोग जो है हेड लगने का चांस जो है 90% जो है डिक्रीज होता है, यानी जो हेड शॉट लगेगा ही नहीं। तो वैसे जो आप लोग थोड़ा बहुत ध्यान रखना कि जब आप लोग जो फायर बटन को ड्रैग करके उसी टाइम पर जो ये जो जॉयस्टिक होता है इधर जो आप लोग टच एकदम बिल्कुल ही नहीं करना, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जो आप लोग फायर बटन से जो आप लोग को काम करना पड़ेगा, तभी जगह जो आप लोग बहुत अच्छे से ड्रैग शॉट यानी हेड शॉट मार पाओगे। और गाइस आखिर में आप लोग एक ही चीज बोलूंगा जो कि मैं आप लोग को हमेशा बोलते हुआ आ रहा हूँ कि अगर आप लोग ये देखने के बाद गेम के अंदर जाकर यूज करो तो फिर जो आप लोग को इतना आसानी से जो हेड शॉट नहीं लगेगा, उसके लिए आप लोग जो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और प्रैक्टिस करने के लिए तो है ही हमारा जो ट्रेनिंग ग्राउंड, तो उधर जाओ और थोड़ा बहुत जो है कुछ दिन तक जो है प्रैक्टिस करो तो फिर जो है आप लोग बहुत अच्छे से जो है इजिली हेड शॉट मार पाओगे। तो गाइस आज के लिए इतना ही, होप कि आप लोग जो वीडियो हेल्पफुल हुआ होगा, अगर वीडियो हेल्पफुल हुआ है तो वीडियो को एक लाइक दिल से जरूर कर देना। और गाइस अगर आप लोग चाहते हो किसी टॉपिक ऊपर वीडियो बनाने के लिए तो फिर जो है आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके बता दो कि भाई इस टॉपिक ऊपर वीडियो बना, तो फिर मैं जरूर उस टॉपिक ऊपर वीडियो बना दूंगा। तो गाइस आज के लिए इतने वीडियो में, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, ऐसी फ्री फायर से रिलेटेड हर एक अपडेट वगैरह न्यूज़ टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों को हेल्पफुल वीडियो बनाना चाहते हो तो वीडियो को नीचे जो लाल रंग सब्सक्राइब बटन उसे क्लिक कर दो, पास में जो घंटी उसे दबाकर और फिर सिलेक्ट कर दो, ताकि गाइस मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो गाइस आज के लिए इतने, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।